आर्मी के लॉयर, इसलिए मैं आप उस सूत्र से आपको मिला, पर कोई फायदा नहीं, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। देखो इंस्पेक्टर, मैं आर्मी के लॉयर होने के साथ साथ ऋतिका का अच्छा फ्रेंड भी हूँ। मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस शूटर को हायर किया किसने। बेसिकली जिस शूटर ने जिसकी गोली उसको लग गई ऋतिका को, तो हम लोग फाइंड आउट करने आए हैं कि उस शूटर को हायर किया किसने था। सो इसलिए हमें, मैं और ईशानी पुलिस स्टेशन आए हैं कि देखते हैं, शायद पता लग जाए कि वो खूनी कौन है। लेकिन यहाँ तो पता भी लगा और काफ़ी हाई एंड ड्रामा भी हुआ। जी हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कुछ भी ब्लेम आएगा तो ईशानी पे ही आएगा। एंड पुअर थिंग, जब भी कुछ नहीं करती हमेशा उस पर कुछ ना कुछ ब्लेम आ जाता है। और बट लकीली कोई तो है जो उस पर ट्रस्ट करता है, तो शिखर ट्रस्ट, सो ही स्टैंडिंग बाय हर। एंड वो उसको बताता है कि डोंट वरी, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन इसकी वजह से तो ईशानी और रणवीर जो है उनके बीच में और दूरियां बढ़ गई, तो शिखर उनके बीच दूरियां बढ़ रही हैं। और बिकॉज ऑब्वियसली रणवीर को लगता है कि ईशानी ने फिर से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, और यू नो शी इज़ हायर्ड, बिकॉज वो खून ही बोलता है कि ईशानी है जिसने मुझे पैसे दिए थे।
एंड लाइक ऑलवेज शिखर विल बी स्टैंडिंग बाय ईशानी कि नहीं आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, एंड वो उसको हेल्प करेगा, अभी देखिएगा आगे बहुत इंटरेस्टिंग है.